करता मैं खुदकुशी कर लूँ, और मैं दुकान पर नहीं जा सकता, जो होती है मेडिसिन खाने के लिए, खुदकुशी करने के लिए, वो लेकर नहीं जा सकता। मतलब आपका ये मतलब है कि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुदकशी भी करूं, करना चाहते हैं लेकिन खुदकशी करने के लिए ताकत नहीं है। जी मैं करना चाहता हूं, ताकत नहीं है, मैं खुद चल नहीं सकता, वॉशरूम तक नहीं जा सकता। मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी दिल करता है मैं भी जाऊं घूमूं फिरूं, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुद खाना लेकर नहीं जा सकता, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, लाहौर से आगे तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, यहां एक गांव है, वहां पर आया हूं, और ये जो भाई आप लोग हमारे साथ देख रहे, आप लोगों ने इनके पाँव भी देखे, इनके ज़ख्म भी देखे, इनकी वजह से इनके पाँव बड़े हो चुके हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इसी आसरे पे हम इसके लिए आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। इनके ऑपरेशन पर करीबन 4 लाख रुपए खर्चा आते हैं, तो बराए मेहरबानी इस भाई को तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है, और ये कहते हैं कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं पैदा सकता, किसी से भीख नहीं मांग सकता, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है हुकूमत बाला से और उन अहदेदारान से, ताकि इनके लिए ऑपरेशन का कुछ इलाज करें। अगर कोई है हॉस्पिटल वाला वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इनको हम हॉस्पिटल पर लेकर आएं, ये जो इसका जो गोश है ये काटना पड़ेगा। तो हमारा इतना है इंसानियत की खिदमत करना, बाकी बातें मैं इनसे ही कर लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? अरशद अली। अच्छा अरशद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपके पाँव इस तरह आपको तकलीफ होती है? जी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, घर में कितने बहन भाई है? जी 2 भाई है, 4 बहनें। अच्छा, तो उनका खर्चा कहाँ से बर्दाश्त करते हैं आप लोग? जी बस मतलब जो खाना पीना है घर का, रहन सहन, जो महीने का अखराजात है, वो कहाँ से बर्दाश्त करें? आप तो, आपका तो हालात इस तरह है, जो मतलब कमाई का क्या आसरा है? जी भाई मजदूरी करते हैं। अच्छा, वो कितना कमाते हैं महीने में? बस कमा लेते हैं 10-15 हज़ार। अच्छा, तो वो तो उसमें मतलब घर का किराया नहीं, मतलब घर का चूल्हा नहीं जल सकते, तो आपका ये इलाज कहाँ से करवाते हैं? जी मेरा इलाज, मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, इसलिए इलाज नहीं हो सका। अच्छा, अभी आपके ऑपरेशन पे खर्चा कितना आते हैं? तकरीबन 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख, तो जब 4 से 5 लाख हो जाएंगे तो डॉक्टर साहिबान क्या कहते हैं कि इसके साथ क्या करना पड़ेगा? जी वो कहते थे गोश्त काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ठीक होने का कुछ चांसेस है इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये कौन कौन से हॉस्पिटल में आप गए हो कि उन्होंने आपको ये बताए हैं? जी मैं हॉस्पिटल और सर्वस हॉस्पिटल। अच्छा, तो फिर आपने ये ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करनी है? जी हाँ जी। अच्छा, तो अगर 4 लाख 5 लाख हमारे कुछ खुदादाद लोग, हमारे बहन भाई कोई हो और वो भेजे, तो उसी से ऑपरेशन हो सकते हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह हो सकता है। घर अपने? जी अपना। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार, आपके अपने जो अजीज़ वकारिफ़ हैं, क्या कभी किसी को बोला नहीं है, या अपने गांव के किसी मेंबर नाजिम किसी को बोला नहीं कि मुझे कुछ पैसे दे, मैं अपना ऑपरेशन करना चाहता हूँ ताकि इंसानियत की खिदमत करना है, तो वो लोग किसी से बोला नहीं है? नहीं सर, मैंने किसी से नहीं बोला, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किसी से ये मुझे पैसे नहीं मिल सकते, इसलिए मैंने नहीं बोला। अच्छा, तो जो स्क्रीन पर आप लोग जो हमारे भाई, जो हमारे बहनें वो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं आप? मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मुझे इमदाद दें, क्योंकि मेरा इलाज हो सके। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारा कोशिश ये होते हैं कि इनका इलाज जल्द अज जल्द हो जाए। सबसे पहले तो हमारा आवाज़ हुकूमत बाला से है, इमरान साहब से हैं, और उन बड़े लोगों से हैं जो इसका तौफीक रख सकते हैं। मेरे इल्तिजा है उन लोगों से कि इनका ऑपरेशन करवाना है, और इंसानियत, एक इंसानियत को बचाना है। शायद इसका ऑपरेशन हो जाए, ये ठीक हो जाए, अपना पेट पालने के लिए कुछ रोजी रोटी भी कमाएं, उसमें आप लोगों का भी अजर और सवाब होगा। हमारा जो काम है यहाँ तक इनको कैमरे पे लाना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।